बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के वीडियो में बात करेंगे एडीए पार्ट वन, जिसे बीए पार्ट वन कहा जाता है, एडीएस पार्ट वन, जिसे बीएससी पार्ट वन कहा जाता है। एनुअल एग्जामिनेशन 2024 पंजाब यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड आप स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे, आपका रिजल्ट कब आ रहा है, ऑथेंटिक न्यूज आप स्टूडेंट्स के सामने शेयर की जाएगी। तो वीडियो को आप स्टूडेंट्स ने लास्ट तक देखना है और ज्यादा से ज्यादा आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना, ताकि अगर वो भी अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो उनको भी पता चल जाए कि एक्चुअल में हमारा रिजल्ट जो है ना वो कब आ रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट्स या आप स्टूडेंट्स के कोई फ्रेंड वगैरह, कोई रिलेटिव या कोई भी जिनका बीए पार्ट टू, बीएससी पार्ट टू का आ चुका है रिजल्ट, अगर तो वो पास हो चुके हैं तो कंग्रेचुलेशन, अगर उनकी किसी सब्जेक्ट में सेपली आ चुकी है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो आप स्टूडेंट्स ने ये वीडियो उनको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, ताकि उनको भी इस चीज के बारे में बेनिफिट हो कि हमें कोई ऑनलाइन क्लासेस या नोट्स प्रोवाइड करने वाला टीचर मौजूद है। इंशाल्लाह बता रहा हूं, उनको जरूर बेनिफिट होगा। अब बात कर लेते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का एनुअल एग्जामिनेशन 2024 जिन स्टूडेंट्स ने दिया है बीए पार्ट वन का, यानी कि जिसे एडीए पार्ट वन कहा जाता है, और बीएससी पार्ट वन जिसे एडीएस पार्ट वन कहा जाता है, इनका रिजल्ट कब आ रहा है। देखिए, बहुत सी रूमर्स यानी कि बहुत सी चीजें, बहुत से टीचर्स या बहुत से यूट्यूबर्स आपको ये बताते होंगे कि रिजल्ट जो है वो इस डेट को आ रहा है। मैं आपसे ऑथेंटिक न्यूज शेयर करूंगा जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो मौजूद इनर सोर्सेज हैं उनसे जो मिली है, उनके अकॉर्डिंगली आप स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो 10 अक्टूबर 2024 को अनाउंस कर दिया जाएगा। इससे एक दो दिन पहले आ भी सकता है, यानी कि 10 अक्टूबर तो लास्ट डेट है, लेकिन अगर आपका 6 को आ जाए, 7 को आ जाए, 8 को आ जाए, इस डेट तक आप स्टूडेंट्स का रिजल्ट 10 अक्टूबर 2024 तक आपका रिजल्ट बीए पार्ट वन यानी कि एडीए पार्ट वन और बीएससी पार्ट वन यानी कि एडीएस पार्ट वन का रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा उसके बाद फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम जो है ना वो कितनी देर बाद हो रहा है और आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम की फीसिस क्या है, हर चीज आपको बता दी जाएगी। और वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी बीए पार्ट वन में, बीए पार्ट टू में सेपली है, या बीएससी पार्ट टू में यानी कि एडीए पार्ट टू या एडीएस पार्ट टू में सेपली है, उनके जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है आपको पता है उनकी तो एडमिशन की डेट भी अनाउंस हो चुकी है 10 अक्टूबर 2024, और बीए की जो फी है, एडमिशन फी है वो 9000 समथिंग है, और जो बीएससी यानी कि एडीएस की जो फी है, एडमिशन फी है वो 11000 समथिंग है। तो अगर आप स्टूडेंट्स बीए पार्ट टू में आपकी सैपली है या बीएससी पार्ट टू में यानी कि एडीए पार्ट टू या एडीएस पार्ट टू में सैपली है, तो आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप अपने बीए पार्ट वन का स्टूडेंट्स के रिजल्ट का वेट ना करें, आपके जो पेपर होंगे वो 40 से 45 डेज के दरमियान में कंडक्ट कर लिए जाएंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी जो कि आप स्टूडेंट्स को बताना जरूरी था। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।